for sharing your creativity at Wow Business and Fashion Awards. You know, Dr. Anu Mehta is a and philanthropist. He has successfully concocted a portion and blend tradition with Nobu practices, which gives him contemporary approach to life. Anil Murarka of Mirakim Industries is a man on mission. And with a thunderous round of applause, let's do the exit of the chief guest who's going to come back, a visionary and veteran of the industry. Thank you so much. I did that. How are you able to do that? Rising, shining, smiling. Rising, shining, smiling. Yes, yeah, I'm going to rising, shining, smiling. The grind I have survived. The grind that I have survived. कॉन्सेप्ट जो शोभा मैडम ने निकाला है अपने आप में एक काबिल तारीफ है. आज वाव इज़ अ वर्ड, इट टॉक्स मोर ऑफ सब्सटेंस, मोर ऑफ व्हाट अ वुमन पावर इज़ ऑल अबाउट. टुडे इट इज़ ऑल अबाउट वुमन एम्पावरमेंट, बट द फैक्ट इज़ द क्रैक्स इज वेदर यू बिलीव इट और नॉट, इट्स अ वाव इफेक्ट फॉर अ वुमन 365 डेज ऑफ द ईयर. इट्स नॉट जस्ट दिस टुडे, इट इज़ अ वाव मोमेंट, अगेन आई रिपीट, थ्रू आउट द ईयर.
But to acknowledge those efforts of what a woman really does in life, that's what Shobhaji does here. It's absolutely stunning, fantastic, and all my heartfelt feelings towards her for taking these initiatives forward and making these women feel elevated at totality. Of course, see, when we serve about women empowerment, women at large from all walks of life, that's what WOW is all about. That's the core reality. And this is the woman who has brought all these faces on a single platform, and she's taking it forward to a level next. The women empowerment, the Bharat, anyone particular message you'd like to give? When we say it's all about women empowerment, who are we to talk about it? But still, since I've been told to talk a few words, these are the faces who take the Indian continent at a different level. I really look forward for these women of substance to do something much better in the years to come. Thank you. और वाओ अवार्ड्स का जो एंथम है दैट इज़ क्यूरेटेड बाय मी, रिटन बाय मी, एंड एज यू ऑल नो शोभा आर्या इज सच अ वंडरफुल वुमन. आई लाइक टू कॉल हर द क्वीन मेकर बिकॉज शी हैज़ द पावर टू कन्वर्ट अचीवर्स इन टू स्टार्स इन सच ग्लिटरिंग सेरेमनीज. तो वाओ अवार्ड्स का एंथम जो मैंने लिखा था, आज उसकी परफॉर्मेंस हुई है. सो इन दैट कनेक्शन आई एम हियर. And WOW Awards is always a wonderful experience. And WOW Award के handsome कुछ जो आपने तैयार किया है, हाँ जी, इसका एक लाइन अब जो आप यहाँ पे बता कुछ नहीं होगा, एक मिनट ये फिर से कर सकते हैं. वाओ अवार्ड्स की लास्ट फोर लाइन सुनाना चाहूँगी जो बहुत ही स्पेशल है. राइजिंग शाइनिंग स्माइलिंग द ग्राइंड आई हैव सर्वाइव्ड आई एम अ वाओ वुमन आई हैव अराइव्ड. मैं आपका नाम सरिता राठी है. सरिता जी क्या कहना चाहेंगी वाओ अवार्ड्स के साथ, आज आपको वाओ अवार्ड्स दिया गया, इस अवार्ड को पाकर कितनी खुशी है? खुशी तो बहुत हुई है, मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये मुझे ये अवार्ड मिलेगा करके. बट आई कांट एक्सप्लेन कि व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी. तो इस अवार्ड आपको किसने दिया गया, किस अचीवमेंट के लिए? ये मैं एबेकस SIP एकेडमी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एबेकस के क्लासेस चलते हैं, तो मैं बच्चों के क्लासेस लेती हूँ और टीचर्स लोगों को ट्रेनिंग भी देती हूँ मैं. तो आज 12 ईयर्स से मैं इस फील्ड में हूँ, तो उसके लिए मुझे अवार्ड मिल गया है. और ये रिदम भागोवी करके कॉपरेशन से मुझे मिला है ये अवार्ड. इट्स अ बिग एंड थैंक्स टू रिदम भागोदेकर, बिकॉज ऑफ ही ओनली आई गॉट दिस अवार्ड. थैंक यू. ज़्यादा खुश हूँ एंड ये अवार्ड मुझे मिला है इमेज कंसल्टेंट फॉर एक्सलेंस, बिकॉज आई हैव डन गुड वर्क इन द फील्ड ऑफ इमेज कंसल्टेंसी एंड हेल्प पीपल टू बिकम द बेस्ट वर्जन्स ऑफ देमसेल्व्स. एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू शोभा मैम फॉर गिविंग मी दिस अवार्ड एंड एक्नॉलेजिंग माई वर्क. जैसा क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हुई इस अवार्ड को पाकर? बहुत ज़्यादा खुशी हुई. आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू अचीव दिस. इट्स अ ट्रेडिशनल काइंड ऑफ अवार्ड विच प्रूव्स द कलश एंड ऑल एंड व्हाट सोसाइटी वर्क आई हैव डन फॉर द ऑर्फनेज और ओल्ड एज होम्स. आई विल कीप डूइंग सो. इफ इट हैज एनकरेज एनी ऑफ द लेडीज, आई फाइंड माई सेल्फ वर्दी फॉर द अवार्ड एंड आई विल कीप डूइंग इट एज मच एज आई कैन. और सुबह मैम के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो इस तरह के अवार्ड्स
She is a wonderful lady, always inspirational for all the ladies around. And I've been hearing about her. I've tried to meet her so many times. Finally, I met her, and a very down-to-earth person, always loving and caring for everyone. That's the best part. होना चाहिए. जब कोई छोटा मोटा कोई भी काम करता है, अगर आप उसको थोड़ा भी एनकरेज करते हो, तो a person tends to do more. So that's the real inspiration which keeps you going to do good things more, I believe. सबसे पहले तो शुक्रिया मैं शोभा जी का करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से उन टैलेंट को चुनकर एक स्टेज पे लाना और उनके हुनर को सराहना और इस कदर सराहना बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको दिखाया कि अंधेरा घना है ये बेहतर है जुगनों के लिए. अंधेरा घना है ये बेहतर है जुगनों के लिए. शिद्दत से जो चलता सितार हो जाएगा. जितना आपके आसपास घना अंधेरा है आपके शाइन करने की उतनी ज़्यादा गुंजाइश. थैंक यू. शुक्रिया. And a big round of applause for this wonderful moment when Shobha Arya is celebrating Mr. Avinash Tripathi. He started his career as a theatre actor and director with India's leading theatre group IPTA 26 years ago, which was followed by news anchor, producer and director for India's national channel Doordarshan 20 years ago.
also Best Actress. Thank you so much. And dialogue. Okay. तारा का या फिर आरोही का? चलिए तारा से शुरुआत करते हैं. तारा को शो में क्या होगा? प्यार और अम्मा की ख्वाहिश तो हर कोई है, मगर प्यार में क्या है कहना मुश्किल. And we are going to have for Aarohi as well, as it is a double role. So, प्यार में वो क्या है मेरे साथ कि दुनिया का भरोसा हो जाए प्यार से अच्छे. Because it was a thriller show, a thriller romantic show. It is, in fact. So, thank you very much. Because we in TV series, you know, we work day and night there to entertain you all. And these awards and, you know, giving this honor to us, it's like a motivation. So, thank you very much. Thank you. एनीथिंग दैट्स कॉल्ड नेगेटिव जो एंटरटेनमेंट कहा जाता है ऑफकोर्स, बट वो बगैर किए मैं फिनाले तक आई वॉज द रनर्स अप. सो एंड आई लव, इतना प्यार मिला है ऑडियंस से इस शायद इस नेचर के लिए या इस बिहेवियर के लिए, बहुत इज्जत और बहुत प्यार मिला है. मुझे पता नहीं था कि मैं फिनाले तक जा पाऊँगी, क्योंकि हमेशा ऐसे यही कहा जाता है कि बिग बॉस में तो झगड़ा करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है. आई प्लेड माई गेम बट आई प्लेड विद डिग्निटी एंड दिस इज द क्या कहते हैं उसका सबूत ये है आज. इट्स दी एंटायर जर्नी, हिंदी में बात करूँ तो वो पूरा एक रूट होता है, इट्स नॉट जस्ट एनी वन पर्टिकुलर थिंग. सो आई थिंक टैलेंट इन जनरल बहुत बढ़िया. ऑल आई कैन से इज वाओ वाओ वाओ. थैंक यू. मेरी स्त्री तो मूवी थी पर भूतों से मुझे बहुत लगाव है और मुझे लगता है कि बहुत टफ एक्टिंग होती है. स्त्री से पहले मैंने एक तेलुगु फिल्म की थी हॉरर फिल्म, उससे पहले मैं ये सोचती थी अरे यार हॉरर फिल्म में तो कोई एक्टिंग होती है, हाँ हाँ करते रहो, पर नहीं, जब वो फिल्म मैंने की तब मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा टफ एक्टिंग होती है. टू ये किसी को बिलीव कराना कि आप पोजेस हो गए और आपके अंदर कोई आत्मा आ गई है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है उसमें, ईजी नहीं होती है, इट्स अनदर लेवल. क्यों नहीं, आफ्टर स्त्री तो आई थिंक भगवान ने बोला है डोर्स खोल दिए कि एंड उसके बाद जितने मुझे प्रपोजल्स आए इंस्टा पे, मुझे नहीं लगता था कि एज अ विद माय नॉर्मल फेस मुझे इतना लोगों ने प्यार दिया होगा जितना चुड़ैल बन के. तो आई वुड लव टू प्ले एंड या वुमन पावर या. सो फ्रॉड सही रिलीज़ हो रही है 18 जनवरी को. देर इज कपल ऑफ वेब सीरीज विच इज़ गोन बी आउट वेरी वेरी सून एंड या सो वेब सीरीज एंड फ्रॉड सही. मुझे एज एन एक्टर अवार्ड मिला है और
आई फील वेरी वेरी ग्रेटफुल, वेरी ब्लेस्ड. येस्टरडे वॉज अ स्त्री नाइट स्टार स्क्रीन अवार्ड्स में स्त्री को बहुत सारे अवार्ड्स मिले, और आज स्त्री की स्त्री को वाओ अवार्ड मिला है. व्हाट कुड बी ब्यूटीफुल, एंड इट फील्स रियली गुड. एंड ऑल्सो यू नो, माय कॉम्प्लीमेंट्स टू शोभा मैम टू हैव सच अ प्लेटफॉर्म वेयर शी इज फेलिसिटेटिंग ऑल विमेन हुव डन गुड इन देयर फील्ड्स, विच इज आई थिंक विमेन डोंट अप्रिशिएट देमसेल्व्स एज मच. एंड बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को वो सपोर्ट, वो एनकरेजमेंट दें. एंड दिस इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म. हैट्स ऑफ टू हर फॉर पुटिंग दिस शो टुगेदर. थैंक यू सो मच डार्लिंग. सबसे पहले तो इस अचीवमेंट को देखते हुए इस अवार्ड को वाओ अवार्ड से हमको नवाजा गया है. सो आई फील वाओ, दैट्स व्हाट आई हैव टू से. आई एम वेरी वेरी प्रिविलेज्ड, वेरी ऑनर्ड दैट आई रिसीव दिस अवार्ड. और जब भी आपको कोई अवार्ड मिलता है, एक प्राउड फीलिंग के साथ साथ यू गेट मोटिवेटेड, यू गेट एनकरेज दैट यू वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट मोर. एंड वेन एवर यू आर रिकग्नाइज, ऑफकोर्स ये बहुत ही ऑसम फीलिंग होती है एंड फील्स रियली इंस्पायरिंग, एक्सिलरेटिंग मोमेंट डेफिनेटली. एंड थैंक यू वाओ अवार्ड्स, एंड थैंक यू शोभा जी फॉर bestowing me with this honor. आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले होंगे, लेकिन ऐसा कौन सा अवार्ड रहा जो आपको मिलने के बाद एक फर्स्ट टाइम रहा और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो उस अवार्ड को पाकर आओ? Well, wow awards definitely yes. I have won one more award, the iconic awards. So this year I think God has been really kind, and I want to thank all my well-wishers and supporters. When I received a call and I said I was informed ki wow awards ke liye nominate hue hai, I think it's one of the most special moments, because women who are contributing to a worthy cause, that's what makes them worthwhile. And आपकी जो सक्सेस है, द जर्नी टू सक्सेस स्टार्ट्स विद योर ड्रीम, योर विजन. एंड वो जो पाथ होती है, यू स्टार्ट टू इन्जॉय दोज लिटिल लिटिल मोमेंट्स. सो आई वुड डेफिनेटली से दिस इज़ वन ऑफ द स्पेशल अवार्ड्स फॉर मी. थैंक यू टू द एंटायर वाओ टीम. थैंक यू. Yes, of course it is difficult, but at the same time, you know, it is very interesting because I get to play two different characters. One is very simple and docile, the other one is totally opposite, a serial psycho killer. But I enjoyed it thoroughly and it was a great experience. अवार्ड मेरी जिंदगी का, आई थिंक मुझे स्कूल से मिलने लग गया था. फॉर यू नो, एज वी ऑल गेट अवार्ड्स फॉर एकेडमिक्स एंड ऑल, बट एक्टिंग की फील्ड में मेरा पहला अवार्ड था व्हेन आई वाज 15 इयर्स ओल्ड. आई डिड अ हिंदी फीचर फिल्म एंड फॉर दैट आई रिसीव्ड अवार्ड फ्रॉम सरोज खान जी फॉर बेस्ट एक्ट्रेस. एंड अगेन आई हैव अ बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, वाओ अवार्ड. सो ऑफकोर्स दिस इज यू नो ग्रेट ऑनर एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू वाओ इवेंट्स एंड फैशन अवार्ड्स एंड सोनिया. So thank you for it. तो बहुत सारी स्टार कास्ट सीरियल्स के फिल्म में भी नजर आ रहे, तो आपका भी आगे कोई प्रोजेक्ट या कोई तैयारी है? Currently I'm just focusing on serials now. Obviously who do not want to do this movies and all, but first serials and then my second step towards. Thank you. Good evening, I'm Bharti Chhabria aur main fashion designer hu aur stylist hu. To aaj ye mujhe mera achievement hai aur wow, and thank you Shobha Mehra and the team, wonderful. Mujhe aaj bahut khushi ho rahi hai itni sare stars ke beech mein, aur specially mere favorite star सब्यासाची जी, आज उनके बीच में मुझे अवार्ड मिला है, तो ये मेरे लिए लाइफ के लिए एक अचीवमेंट है और ये आज मेरा ड्रीम पूरा हुआ. किस अचीवमेंट को देखते हुए इस अवार्ड को आपको दिया गया? मुझे बहुत खुशी हुई है एंड जो प्रेस्टीज और जो ऑनर मुझे मिला है, मुझे इसे समझ में आता है कि आप हार्डवर्क करो और उसका फल आपको आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा. सो आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर दिस अवार्ड. थैंक यू वाओ फॉर दिस अवार्ड. थैंक यू. लोगों के बीच में चर्चा हो चुकी है और वाओ फैशन अवार्ड और बिजनेस अवार्ड जिस तरह से आज रखा गया, किस सोच के साथ रखा गया है और किन लोगों को इस अवार्ड से नवाजा गया? ये सोच इसलिए है कि ये वाओ बिजनेस और फैशन अवार्ड है, तो यहाँ बिजनेस कम्युनिटी और फैशन को मिक्स करके हम एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं जहाँ दोनों विन विन सिचुएशन में होंगे. ये अवार्ड्स लेने के लिए लोग दूर दूर से आए हैं. वी हैव पीपल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वी हैव पीपल फ्रॉम रशिया, जर्मनी, नागपुर, जयपुर,
Jabalpur, Nagpur and so on and so forth, including Pune. So this is how we are creating a platform. We are collating people from different parts of India and globally to reach out to WOW. Because WOW is one platform where different communities connect together under one roof. And that is how they grow into a mutual expansion of business. तो एक सेलिब्रिटी नहीं, यहाँ पर कई सेलिब्रिटी भी यहाँ पर मौजूद है, जिस पूरे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए कितना कुछ खास बनाने के लिए कितना आपको किस तरह से पूरी टीम रहती है और आज किस तरह से इसको इतना अच्छा रूप दे पाते हैं? वेल, हर चीज़ के पीछे तो मेहनत लगती है फॉर श्योर. ओके, सेलिब्रिटीज़ का ये बहुत बड़ापन है क्योंकि वो लोग एक नेटवर्क के थ्रू आ ही जाते हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी, क्योंकि उनके वजह से एक कॉमन पब्लिक के बीच में एक ब्रिज बन जाता है. ओके, वो ब्रिज जो होता है यूजुअली